जीत का एकमात्र त्योहार बैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचेदार बड़े इनाम शानदार उत्सव बैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। शिवांश को देखा? अरे इधर ही होगा, देखो ना। यहाँ तो नहीं है। हाँ तो बाहर होगा। And please don't disturb us. Okay fine, cool. You guys continue. शिवांश, शिवांश। ऊपर चले। पता नहीं कहाँ चले जाता है ये। शिवांश, शिवांश, मम्मा। No milk today, please. Shivansh. Mom, please don't look at me like this. You look like a Dracula. Shut up. Chalo abhi breakfast karo. Daily same breakfast. Thoda change karo na. For your kind information, ye same breakfast maine last week banaya tha. No more drama now. Chalo, you're getting late for school. No more. Chalo, chalo. Ye breakfast apne kal hi to banaya tha. Kavita? Haan? ये शो ना मेरे लिए इम्तिहान है और मेरे सिंगर बनने की आखिरी कोशिश। अगर इस शो में ना मैंने लंदन की ऑडियंस को अपना बना लिया तो फिर मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आई नो आनंद, तुम जरूर सक्सेसफुल होगे और मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो। हेलो हेलो, आ जाओ टा भैया। भैया शिवांश को स्कूल मैच के दौरान चोट लगी है, मैं उसे यूनिवर्सल हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। व्हाट? कम फास्ट। क्या हुआ? शिवांश का एक्सीडेंट हो गया, हमें निकलना होगा। ओह गॉड। कोई भी पार्ट में क्लॉटिंग या स्वेलिंग या कोई भी इंजरीज नहीं है एंड आई होप ही विल रिकवर वेरी क्विकली। जल्दी ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? यस, जल्दी ठीक हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम सिस्टर। इन केस इफ दे नीड मी कांटेक्ट मी। डोंट वरी अबाउट हिम, ही विल बी ऑलराइट। ओके, आई विल सी यू लेटर ऑन। बेटा शिवांश, ओम ब्रह्मकम यजामहे सुवंदे पुष्टिवर्धनम कुमारो ओम ब्रह्मकम।
तरंगे शंकर मौली की हारिणी विमले रस्ता तब पर कमले हर हर महादेव हो गया। Oh, I see. वैसे इनके सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक ओपिनियन क्यों ना चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से ले लेते। हाँ? Nice, nice. Perfect. Very good, पुत्र। वाह वाह, भाई। देखो पुत्र मैं डॉक्टर हूँ और फिर डॉक्टर से डरते नहीं है ना और आपकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी से डरते होंगे राइट डरने की कोई बात नहीं है पुत्र तो अब ये डॉक्टर तुम्हारे दिमाग में घुसेगा अब एक काम करो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद करो स्लोली यस और अब मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है पुत्र स्लोली यस आई हैव सीन लॉट्स ऑफ टेंपल्स या हाँ बोर्ड्स हाँ लॉट्स ऑफ बोर्ड्स आगे विश्वनाथ मंदिर कुछ हो रहा है वहां बेटा एवरीवन इज शाउटिंग स्लोगन्स स्लोगन्स दे आर शाउटिंग हर हर महादेव There's a man. Who? कौन है का? आरती कर रहे वो आदमी. अच्छा? पंडित टाइप सर. हाँ. पंडित टाइप सर. हाँ हाँ. और ये कौन है? क्या हुआ? No. बेटा. ठीक है बेटा. ओके अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो रिलैक्स यस वेरी नाइस मिस्टर एंड मिसेस खन्ना साइंस माने या ना माने लोग माने या ना माने लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तुम्हारे बेटे का पुनर्जन्म है आपके बेटे ने जिन जगहों का नाम लिया वो बनारस का है चाहते हैं इसका भविष्य बने ये अपना फ्यूचर देखे तो इसको इसके पास में ले जाना बहुत जरूरी है
इसे पहले के जन्म में चला गया है, इसलिए मेरी ये सजेशन होगी कि आप जितनी जल्दी हो उतना जल्दी बनारस चले जाएं। कहते हैं क्या नाम है कि कलजुग, जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो यहाँ सिद्धेश्वर महाराज बना हुआ है और लठ जैसा पूरे बनारस पर तना हुआ है। देखो देखो कैसे सब भक्ति में लुटिया आ रहे हैं। देख बाकी कितना है। अरे बन लेने दो महाराज, ये बाबा की नगरी है और बाबा से बड़ा कौन महाराज। बाबा सबको टाइम देते हैं, देखते हैं कब तक चलता है इसके पाखंड का खेल। हमारा तो मन कह रहा है अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा हमें और हमारे बनारस को मुक्ति दिलाने। समझ गए सर, समझ गए, लौरा बीर की तरफ से ही चल रहे हैं। उधर राइट में खड़ा कर लो। अरे बस बस यही बस। कविता तुम पे कर दो, मैं बैग निकालता हूँ। हाँ जटा आजा। भैया कितना हुआ? 850। ये 500 का चेंज होगा आपके पास? शिवांश कहाँ है? अरे गाड़ी में तो था। गाड़ी में नहीं है। अरे यार ये बच्चा भी ना, जटा जा देखना शिवांश कहाँ है। हाँ कहाँ चले जाता है ये शिवांश। अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णात दिवाकरः। आदित्याय नमः। ओम नमः भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम नमः अर्घ्य समर्पयामि। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमः भास्कराय नमः अर्घ्य समर्पयामि। अनुकंपय अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णात दिवाकरः।
सर्च करें पैरी मैच, दुनिया का नंबर वन गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। #1 रेटेड ऐप जहां है बेस्ट VIP ऑफर्स और सबसे तेज विथड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1,00,000 तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले, अभी खेलें। शिवांश, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है ये और किसका घर है ये? ये है हमारी धर्मपत्नी, हमारी अर्धांगिनी, और ये है हमारा घर पुश्तैनी। पुश्तैनी? अरे भैया का होकर रहा है? जी जी, हम समझ रहे। कौन सा मसा लेकर आया तुम लोग? देखिए एक मिनट बाप माई बेटा सब मिलकर जैसे हमारे घर पर छापा मार दियो। चक्कर का है? एक सेकेंड, अनाज समझती गई तुम हमारे घर को हटियाने तो नहीं आए हो ना? ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसा कुछ प्लानिंग भी हो ना तो निकाल के फेंक देना, ठीक है? हम समझ रहे हैं। हमारे पास ये घर के एक एक कागज रखे हुए हैं। जी हम, एक मिनट नहीं लगेगा और 10 दवा खड़े कर देंगे हम यहाँ। एक मिनट आप मेरे साथ आएंगे प्लीज? प्लीज कहा है, एक मिनट आइए आप। अच्छा चलो भाई साहब आइए प्लीज। ओ भाई कहीं हाथ मत लगाना। शिवांश बेटा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से कुछ लेने नहीं आए हैं, हम सिर्फ हमारे बेटे शिवांश के लिए आए हैं। एक्चुअली ये पुनर्जन्म का चक्कर है तो इसलिए हम यहाँ के बारे में जानने आए हैं। शिवांश भले इस जन्म में मेरा बेटा है लेकिन पिछले जन्म में ये तुम्हारे पिता थे, और वो जो तस्वीर है वो तुम्हारी माँ की है ना, मतलब हमारे बेटे की पत्नी, मतलब तुम्हारे पिताजी की वाइफ हुई, राइट? तो मतलब ये बित्ता भर का लड़का जो हमसे भी छोटा है हमारा बाप है? ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है, राइट? हाँ, वो हमारी अम्मा है और उसके बाजू हमारे पिताजी है और ये घर है हमारा। लेकिन ये तुम देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, इतनी जल्दी आप क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा हमारी बात पर। एक बार हमारी बात सुन लीजिए, आगे आपकी मर्जी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम यहाँ से चले जाएंगे। We'll go from here. जरा आप सोचिए, अचानक किसी माँ बाप को पता चले कि उनके बेटे को अपने पिछले जन्म का सब कुछ एक एक बात याद आ गई हो तो माँ बाप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो मतलब सच में ये इतना भर का बच्चा हमारा बाप है? जिंदगी भी अजीब गेम खेलती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप हमें कुछ दिन रहने की परमिशन दे सकते हैं यहाँ पे? शायद हमें हमारा शिवांश मिल जाएगा वापस। अब अगर आप सच कह रहे हैं और साची लग रही है बात, तो फिर तो ये हमारे पिताजी हुए, और हमारे पिताजी है तो ये घर भी इन्हीं का हुआ ना, तो फिर हम कौन होते हैं परमिशन देने वाले? महादेव की लीला तो वही जाने, महादेव। सच में गीता, तुम्हारे साथ जो मुझे घर पूरा लगता था आज तुम्हारे बिना अधूरा है। तो आपने पहचान लिया लेकिन अपने बेटे को नहीं पहचान पाए ना पिताजी, हम आपके बेटे हैं शरण। महादेव तुम्हें आयु विद्या यश बल प्रदान करे, तो कितना बड़ा हो गया चरण।
अफसोस मैं तुझे बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया। माफी जाने के बाद हमें यहाँ एक पल रहने का मन नहीं कर रहा था। कई बार सोचे कि यहाँ का सब बेचकर कहीं दूसरे शहर चले जाए और वही धंधा पानी करें, लेकिन जब भी महादेव को देखते तो ऐसा लगता कि वो हमें कह रहे हो कि तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे। चरण, आप जैसे अभी माँ से बात कर रहे थे ना, वैसे हम भी रोज महादेव से बात करते हैं। और देखिए आज उन्होंने आपको वापस यहाँ भेज दिया। महादेव कुछ याद आया बेटा? नहीं मम्मा। मंगलाय धनु हरि, ध्यान कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। What happened, Shivansh, beta? एक सेकेंड मामा। बताओ बच्ची क्या आया बच्ची? एक सेकेंड, एक बात बताओ, गोपी के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? बको भी आदि जी, आदि जी। अरे ऐसे भगवा के काहे देख रहे हो? मैं पहेली नहीं पूछ रहा, मैं तो तुम्हें तुम्हारा चक्कर याद दिला रहा हूँ। माफ कर दीजिए पंडित जी, बच्चा है, नादान है, गलती हो गई। चलो जाइए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, एक बात कहनी थी आपसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। धन्यवाद प्रभु। आप तो जानते ही हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का स्वभाव है। ये संसार हर पल हर क्षण बदलता रहता है, और बदलना भी चाहिए प्रभु। आप तो इस संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों के संहारक रहे हैं। आपकी इच्छा तो आप ही जानते हैं महादेव, पर हम पर बस इतनी कृपा कीजिए कि हम कभी इस नीति धर्म की राह से भटक कर इस भीड़ में खो ना जाए। हमें अपने आप से कभी दूर मत कीजिए महादेव, बस इतनी विनती है हमारी। वैसे सच बताएं, आप हमें अपने से दूर करेंगे भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं महादेव कि हमारे जैसा भक्त इस समस्त संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। महादेव, हाँ, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हमने महादेव ही बोला था, मतलब तुम्हारे नाम से शुरू हुई हमारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर ही खत्म हो गई, लेकिन हम जी नहीं पाए, ये तुम जानते हो। क्यों दूर किया मुझे अपने से? क्या मैं तुम्हारा सच्चा भक्त नहीं था? और जब दूर कर ही दिया था तो फिर से क्यों बुलाया है? लेकिन इस बार भक्त जीतेगा, भगवान नहीं। मैं जा रहा हूं तुम्हारी काशी छोड़कर। दूर किया ना तो दूर ही रहूंगा। खिलाफ थी दुनिया तो शिकायत न थी मुझे, तेरे सिवा किसी और की जरूरत न थी मुझे। कौन है ये उदंड?
संस्कारहीन बालक, इसे हमारे नजरों से दूर करो। झूठा चोर कोतवाल को डांटे, देखो तो जरा, अरे तेरे जैसा उद्धट, संस्कारहीन और पाखंडी पूरे बनारस में नहीं है। तेरे पर तो जूते चप्पल बरसते थे और आज फूल बरस रहे हैं। तेरी जगह तो जेल में है और तू यहाँ रथ पर बैठकर सबको आशीर्वाद दे रहा है। दोस्त नालायक बालक, तेरे माँ बाप ने तुझे संतों की इज्जत करना नहीं सिखाई। तुम सब लोग किसे संत कहते हो? वाह, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। शिवांश, ऐसी बात करते हैं बड़ों से, चलो यहाँ से। माफ कर दीजिए बाबा जी, I'm sorry, बच्चा है ना। अरे पर आप तो बच्चा नहीं ना है जी, इसे थोड़ा संस्कार सिखाइए, संस्कार। चाहिए यहाँ से, चलिए निकलिए। शिवांश बाबा जाना नहीं चाहते, बट आप लोग ही उन्हें वापस ले जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ सही समय पे बता दिया शिवांश बाबा ने, फ्लाइट में बैठकर बोलते तो ना हम इधर के रहते ना उधर के। बेटा क्या हो जाएगा वापस जाकर? हाँ शिवांश, एक बार और सोच लो, जो देखना था तुमने देख लिया। अब सोच लिया, मैं यही रहूंगा। ये जुलूस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। डेस्टिनी और शायद महादेव ने कुछ डिसाइड किया है। ये लीजिए, फूल लीजिए, मंगलमय विष्णु मंगलम मंगलाय तनु हरि। ये लीजिए, ये हाथ में रखिए। अब ईश्वर को याद करते हुए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिस निमित्त मैंने पूजा कराई है उसका आपको लाभ मिले, उसका फल मिले। हर 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 महादेव। फिल्मों का वो डायलॉग हमें बहुत पसंद है, क्या मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके मेहनताई हाथ में आ जानी चाहिए। वो अरे महाराज, इतना मेहनत काय कर रहे हैं, बोले दखना चाहिए। अब मुंह से कैसे बोले, फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। तो मुंह से ना बोलेंगे और कहां से बोलेंगे, घबराइए मत, देते हैं। ये लीजिए, रखिए रखिए। अरे रहने दीजिए, 20 रुपया दे रहे हैं आप, बताइए। अरे फेंकने का 54 नहीं और बकैती लाखों रुपए की, 10-20 रुपए को दक्षिणा होता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट की पूजा के लिए घर द्वार बीवी बच्चा आपके नाम लिख दें, जागीर सब दे दे आपको। अरे जागीर जायजा नहीं चाहिए महाराज, जाइए बस। को पकड़िए। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, रखिए रखिए। अच्छा इनको संतान देते हैं और खुद दिगंबर हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, जाइए। कटोरा लेके इनके बगल में बैठ जाए। अरे आप जजमान को नोच के मांस खा लिया कीजिए। बस बस जाइए जाइए। अरे यार आटा खिलाएंगे इससे, दिमाग मत खराब कीजिए। अरे सरकार करे ना करे, हम तुम्हारी दक्षिणा माफ करते हैं। कैसे है माधव? अरे तू अबे यहाँ कैसे, कल तो हम पूजा करा रहे थे, कुछ बोले नहीं, अब बोलो क्या बोलना है। क्या राजा, उम्र के साथ साथ तेवर भी बढ़ गया है, जजमान का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? वैसे ये बात बताओ, तुम्हारा गोपी का ब्याह हुआ कि नहीं? बड़ा चालू लौंडा है बे। किसका लड़का, पहले कभी देखे नहीं, चाहते क्या तुम हमसे? मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन लगता है तू रुद्र को भूल गया है। रुद्र? कौन रुद्र? कितने रुद्र को जानता है तू? देखो दक्षिणा की वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ, भंडाया पड़ा, हमें पहाड़ा मत पड़ाओ, समझे? हाँ रुद्र हमारा दोस्त था, लेकिन वो तो बहुत साल पहले मर गया, और तुम चाह रहे हो कि तुम उसका भूत बन के इधर आए हो और हमें डराना चाहते हो। भूत तो नहीं, समझ लो उसका ही अवतार हूँ। अवतार? वाह बेटा, तेरे गोपी के लिए चिट्ठी पहुँचाने वाले हम थे, उससे मिलने के लिए हमारा घर था, और अब तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। अरे हमको भूल गए ठीक है, लेकिन अपनी गीता भाभी को क्यों भूल गए, जो तुम्हारी गोपी के लिए हलवा पूरी बनाया करती थी।
दादा भाभी को कैसे जानते हो? अरे बन मैं तुम्हारा दिमाग सेट गया है क्या? जब मुझे पिछले जन्म के दोस्त याद है तो अपनी पत्नी को भूल जाऊंगा? बोलो। अरे हमको विश्वास नहीं होता। जब इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है ना, तब महादेव का विश्वास शुरू होता है। महादेव पर विश्वास करते हो ना? माधव मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प की क्या बात करते भैया, अरे आप थे तो जिंदगी कितनी खुशहाल थी, मौज में थी, लेकिन आपके जाने के बाद बस कट रही है। हमको मालूम है वो दिन दोबारा तो लौट के आएंगे नहीं, लेकिन आज आपको देखा ना, पुनर्जन्म और महादेव दोनों पे विश्वास हो गया, दोनों पे। एक बात बताओ, ये सिद्धू कब से मठाधीश हो गया? अरे अपने कुकर्मों की वजह से भैया। ये उन दिनों की बात है जब आज का सिद्धेश्वर सिद्धू के नाम से जाना जाता था और पूरा बनारस उसे पाखंडी पंडित कहता था। आजकल ये पूजा से तुम कहाँ गायब हो ना, हमें सब पता है, गीता भी पूछ रही। अरे छोड़िए भैया व्यक्तिगत, देखो अभी ये बात सिर्फ आपको बताएं, जब सब कुछ सेट हो जाएगा उसके बाद गीता वाले को बता देंगे। अरे हम खुद से ही बता देंगे। बेटा प्यार में जब बता दो ना वही सही समय ही याद है। लगे रहो बेटा अपनी दुकानदारी में। जियर इनका मन चले ना तो हनुमान चालीसा में सुनकर कांटे फिरा रहे। ऐसे कौन हंसता है जो जलता है, जानते ही होंगे आप लोग। वैसे हमको पहले ही संकेत मिल चुका था कि इन्हें किसी आसुरी शक्तियों ने भेजा है आप दोनों की पूजा अर्चना डिस्टर्ब करने के लिए। सिद्धू दिन में तो धर्म का चोला पहन के पूजा पाठ का ढोंग करता था और रात को अय्याशी। अरे अद्भुत बदलाव हो रहा था। हाँ महाराज, हो गया पूजा पाठ आपका, आरती हमारे महाराज की तो अभी भी चल रही है। क्या रसलीला? रसलीला शास्त्री जी, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। रुको हम अभी देख कर आ रहे हैं। क्या आप ऐसे अंदर जा सकते? आप हमारे गुरु जी की तपस्या भंग नहीं कर सकते। अभी बताते हैं चल रहा है। क्या नाचने वाली के साथ मनोरंजन चल रहा है इनका? अरे दुष्ट निकल बाहर, इस तरीके का दुराचार है, तू निकल बाहर, मैं तुझे देखता हूँ। कौन है रे? शास्त्री। अब बोलो। शास्त्री, अरे काहे इतना जलन मचा हुआ है? जलने की कोई बात ही नहीं, पहले बोल देते तो इंतजाम हो जाता ना। यही तेरा संस्कार? अरे यही तेरा संस्कार है। मेरा संस्कार है ये। नेक्स्ट टाइम कोट काट के एंड में दे देंगे। सिडी, अभी फाड़ते हम तक ऐसा समझे, पर बहुत दिनों से देख रहे हैं लंबटाई। क्या हुआ, इस तरह चुप क्यों रहे हो? जरूर कोई अनर्थ किया तुमने सिद्धू, बताओ क्या किया है?
नहीं, मैंने कुछ। तुमने शराब पी? शराब पीकर तुम महादेव के सामने आए हो? शिव शिव, अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर जाइए। आप बाहर जाइए सिद्धू, आप बाहर। देखो तुम चाहोगे तो हम बच जाएंगे प्लीज। देखो उनको कुछ बताना मत भैया। क्या हुआ है भैया? आपको पता चला सिद्धू ने क्या किया है? क्या किया? उसने शास्त्री जी पर हाथ उठाया और उन्हें अपमानित भी किया, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने घाट पर बैठकर शराब पीने नाचने वाली के साथ रंगरलियां मनाने से मना किया। जी भैया। अरे उसे सबक सिखा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इधर तो नहीं आया, दिखा तो जरा ही था, अंदर तो नहीं? अंदर छिपा है वो। तू चाहता तो हमको बचा सकता था, क्षमा कर सकता था। याद रखेंगे रुद्र, याद रखेंगे। तुम्हें क्षमा करने का अधिकार हमें नहीं है। शास्त्री महाराज पे हाथ उठाया तुमने, उन्हें अपमानित किया है। यदि तुम्हें कोई क्षमा करेगा तो शास्त्री महाराज, हम नहीं। ले जाओ इसे। शास्त्री जी पे हाथ उठाता है, अब होगा धर्म पंचायत में फैसला, छोड़ेंगे नहीं। मुझे ये बताओ, उस इंसिडेंट मतलब उस घटना के बाद वो सिद्धू सुधरा कि नहीं? सिद्धू और सुधार गंगा का इस पार और उस पार, नहीं सुधर सकता। वो कहावत नहीं सुने, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। अरे एक बार तो बनारस के सारे पंडे पुजारियों ने मिल करके उसकी ऐसी खातिरदारी की है, उसको डरा के धमका के बनारस के बाहर फेंकवा दिया। देश से सिद्धू को बनारस से निकाल दिया गया, और इसे देखकर गीता भाभी का गुस्सा आप पर फूटा। दुनिया भर के ज्ञान शास्त्र लेकर बैठे हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि बनारस पहले का बनारस नहीं रहा। मान मर्यादा सब बहा दिया है गंगा में ही लोग। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है यहाँ, जैसे कि आप, जैसे कि इनके बिना बनारस में कोई है भी नहीं न्याय करने वाला। अरे? तुम समझ नहीं रही हो। तुम बता माधव, ये तुम्हारी भौजाई जो बोल रही है, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम जो किए गलत किए? अरे नहीं भैया, अरे आप का एक हम खातनाव वाले गांव के सरपंच बने बैठे हैं, बनाने दो भाभी को। आप तो बस ऐसे ही सन्नाटा खींच के रखो और कचौड़ी चाहो। लो सुनो। हाँ हाँ सुन रहे हैं, और आपके साथी संगती भी ऐसे जो सद्बुद्धि देने के बजाय सांड की तरह मुंडी हिलाकर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। पूरी महाभारत लेकर आए हैं हमारे घर। अरे सिद्धू के बनारस से भागने की खुशी आपके मौत के दुख में बदल गई। जानते हैं, उसके 10 साल के बाद ये सिद्धू पाखंडी सिद्धेश्वरवा सिद्धेश्वर महाराज बनकर के लौटा। बनाया हुआ है कि लोग डर के मारे उसके यहाँ जाके माथा टेकते हैं। क्या हिसाब बचा है उसका मुझसे, इस शहर से? वो मेरे सपनों में क्यों आता है? देखिए भैया, ये कुत्ती है या रहस्य, ये तो वही जानता है। अच्छा, कहाँ है इसका मठ, कहाँ रहता है ये सिद्धेश्वर? जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है, और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक गूंजेदार, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले, खेलो अभी।
तुम्हारा चाहे कोई भी हो, जिसने भी उसको भेजा हो, जहां से भी वो आया हो, सब पता करो। हर हाउस को छान मारो, जाकर ढूंढ निकालो उसे, क्योंकि वो लड़का हमको चाहिए। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है सिद्धू, मैं खुद तेरे पास चला आया। देख गौर से, इतने भर का ही तो है तू। अच्छा अब ये बता दे मेरे प्यारे बेटे कि आखिर किसके दम पे तू हमसे इस तरह से टॉकिंग कर रहा है? कौन है तेरा रिंग मास्टर? जो सबका है, जो संसार का है, वही मेरा भी है, महादेव। महादेव? अच्छा, कौन महादेव? महादेव शर्मा, गुप्ता, त्रिपाठी, त्रिवेदी? अच्छा, वो गदौलिया वाले महादेव यादव की बात कर रहे हो क्या? कौन महादेव जो खुद हमारा सामना नहीं कर पाया, तो तेरे जैसे पिद्दी को भेज दिया? इतनी तेरी बुद्धि होती तो तू महादेव को नहीं पहचान पाता, लेकिन अब तेरी पहचान मैं सबको बताऊंगा। पहेलियां ना बुझाओ बालक, ये बच्चों की शरारत का नहीं बल्कि बड़ों की सत्ता का मामला है। एक बात सुन ले, जब उस पत्थर पर लोग अपना माथा रगड़ रगड़ के थक जाते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं और वो जो मांगते हैं हम उन्हें वो प्रदान करते हैं। Did you know who is I and what is my हैसियत? हैसियत? तेरी जो भी हैसियत हो, लेकिन उस पत्थर की वो हैसियत है कि मरे हुए रुद्र को दूसरा जन्म दे सकता है। रुद्र? ठीक सुना तुम, रुद्र, रुद्र शंकर त्रिपाठी, तुझे याद है ना? हाँ याद है। तो तू क्या कह रहा है कि तेरा पुनर्जन्म है, तू रुद्र है? ये देखो रुद्र अवतार प्रस्तुत हुए हैं। अरे मूर्ख मन बुद्धि, जब हम तेरे महादेव को नहीं समझते तो उसके दिए हुए पुनर्जन्म को मान लेंगे कि तेरे पजामे जैसी सटोरी पर भरोसा कर लेंगे? तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो? और मैं तुम्हारी तरफ खींचा, लंदन से यहाँ तक चला आया। तुझे हम याद है, लेकिन क्यों याद है ये याद नहीं, भुला दे। ओ हम तुम्हारे काल है, तू अपने मौत के मुंह में घुस गया है प्यारे शिशु। तब भी हमने तुझे मारा था और आज भी हम ही तुम्हें मारेंगे। तुम्हारा पत्थर का महादेव न तुम्हें तब बचा पाया था और आज भी वो तुम्हें सेव नहीं कर सकता। What? तूने मुझे मारा था? तुझे बिल्कुल भी याद नहीं? वो काली, भयानक, तूफानी, ठंडी रात। गुरुजी, गुरुजी, आप यहाँ? कहाँ नहीं ढूंढे हम आपको, और आप यहाँ भैंसिन के साथ बैठे? जी जी जी, बताइए, ये भी कोई तरीका हुआ भला? ऐसे कोई किसी की बेइज्जती करता है क्या? तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं चिरंजीव, जिस बनारस से हमको निकाला गया है उसी बनारस में हमारे वर्चस्व का फ्लैग लहराएगा। जिन हाथों ने हमें जूते चप्पल से मारा है वही हाथ हम पर फूल बरसाएंगे, हमारे अनब हमारा जय जयकार करेंगे। आए हो यहां पर?
तुम्हारे जैसे दुराचारी पाखंडी और अधर्मी इंसान के लिए हमारे इस महादेव के मंदिर में कोई जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। क्या अब तू जगह देगा हमको? ना ना ना, हम अब तुमको जगह देंगे। तुमने जो हमारा इंसल्ट किया है वो अभी तक हम भूले नहीं है। देखो सिद्धू, महादेव ने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया है, सुधर जाओ, वरना महादेव तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देंगे, हम बता रहे हैं। सुधर जाओ। महादेव महादेव का रट मत लगाओ तुम, ये सिर्फ एक पत्थर है, इसमें कोई जान नहीं, और ये किसी जान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस पूरे दुनिया का सिर्फ एक ही भगवान है, पैसा। पैसा है तो माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार संस्कार पापा। पैसे की ताकत दिखाई देती है तुम्हें, लेकिन इस विशाल प्रकृति की ताकत नहीं दिखती, जिसके कण कण में हमारे महादेव समाहित है। अरे इनके इशारे के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, दुनिया हिलाने की बात कर रहे। चलो जाओ यहाँ से। अगर इनके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो बुलाओ यहाँ पे और बोलो कि तुमको आज हमसे मरने से बचा ले। देखो बुलाओ। देखो सिद्धू बुलाओ। सिद्धू बुलाओ। तुम क्या बुलाओ? क्या कर रहे हो सिद्धू? मैं गिड़गिड़ाकर बोला था कि मुझे छुपा ले। सिद्धू सिद्धू होश में आओ। तेरी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तुम्हें यहां से बचा कर निकाल ले जाए। किस बात का इंतजार है? कब बुलाओगे? मरने के बाद? आनु, इस शिशु को भक्त प्रहलाद की तरह इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दो कि अंतिम संस्कार के लिए इसकी एक भी अस्थियां सुरक्षित न मिले। आप कैसे बचेगा? जब इस पहाड़ से इस ऊंचाई से इंचे गिरेगा तो तेरे पर खच्चे उठाएंगे। जब तक मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा तब है क्या? अब बुला तेरे महादेव को।
दुनिया में नहीं मिलेगी। मतलब
हर बात ही मेरा वचन है। ओके, लेकिन ये कौन है? हाँ, जो मुझे जानता है वो इसे भी जानता है। ये नागू है। नागू? ये कैसा नाम है? एकदम पनीदार। ये नागराज है, नाग चंद्रेश्वर। युगों युगों से मेरे साथ है, बहुत गुस्से वाले हैं। समझे? और प्रभु के गले पड़ना किसी और के बस की बात नहीं है। अकेला मैं ही ये कर सकता हूँ, इसलिए सम्मान से बात करना मुझसे। क्या समझे? ओके ओके। नागू जी प्लीज डांटना मत। अरे बुद्धि। सुनो शंकर, एक बात पूछनी थी। तुमने मुझे दूसरा जन्म देकर यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें अभी सब कुछ जानना है। चलो तो फिर इतना बता देता हूँ कि कुछ अधूरे काम है जो तुम्हें पूरे करने हैं। इसलिए तो मैं सिद्धू के पास गया था, उसे सबक सिखाने। लेकिन उसने मुझे फुटबॉल बना दिया और उछाल के फेंक दिया। तो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना, फिर क्यों चिंता करते हो? ठीक है तो अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। जाओ जाओ। ओ, मैं तो भूल गया, मतलब तुम भी जाओगे? हाँ। तुम मुझे वापस मिलने आओगे? हाँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुझे तुम्हें जब भी बुलाना हो ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। सुपर लवली शंकर। लवली शंकर? ये क्या लवली लवली बोल रहे हो? क्या बोला प्रभु जी ने आपको? अरे बाबा, लव यू नहीं, लव यू शंकर। मतलब मैं शंकर से प्यार करता हूँ। अरे मैं भी तो तब से आपसे लव यू करता हूँ प्रभु, लव यू शंकर। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महादेव। अरे चरण जी, भाई एक बात बताइए, आपके पिताजी करते क्या थे? हमारा एक पुस्तैनी शंकर मंदिर है जहाँ पिताजी पुजारी थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु उसी मंदिर में हुई थी, इसीलिए माँ और दूसरों लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था। पिताजी के जाने के बाद से ही मंदिर बंद है। ओके, आई एम गेटिंग इट नाउ। हो सकता है कि रुद्र की इच्छा हो कि उस मंदिर को फिर से खोला जाए, या उसे रेनोवेट किया जाए और वो शिवांश के रूप में वापस आया हो। मेबी। चरण, क्या हम उस मंदिर को दोबारा खोल सकते हैं? हमारे लिए ऐसे सौभाग्य की बात क्या होगी? माँ के जाने के बाद हमारा कई बार मन हुआ कि हम उस मंदिर को खोले। अरे वाह, शिवांश तो बहुत खुश हो जाएगा ये बात सुनकर। फिर बढ़िया वाला बाबा का प्रचार। एकदम सही, एकदम सही बोला। आज दूध ही है कि हाँ, इसका भरोसा माथों पर है। अब बोलोगे कि बहुत लंबा उम्र है, नाम ही ले रहे थे, पहुंच गया है। बैठिए। अबे माधव, एक तो देरी से आते हो और बड़ों की पार्टी में छोटे बच्चे के साथ आए हो, कौन है लौंडा? ये लौंडा नहीं है बाप है, ये जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं है, जो है वो तुम सोचे नहीं रहे हो। अरे बुझा रहा है को गंगा घाट मलयो याद है। छतंकी हम सबको एक नंबर का बकायद बोल रहा है। हाँ। बे करके बात कर रहा है। अभी है कौन? अरे ये बताओ, ऐसे तुमसे बात बहुत साल पहले कौन करता था?
अरे हमसे इस तरह से बात बनारस में तो केवल एक ही व्यक्ति करता था। अरे वो हमरे जो है रुद्रा भैया। रुद्र भैया ही तो है ये। रुद्र भैया, हे माधव क्या लग रही है भाई है? अरे महादेव नगरी में रह करके उनकी लीला चमत्कार को लड़ रही कह रहे हैं। रुद्र भैया है ये, पुनर्जन्म हुआ है इनका। पुनर्जन्म? इनको यहाँ का एक एक गली, एक एक बात, एक एक घटना, पूरी कचौड़ी लस्सी सब सब याद है एकदम दिखतो। भैया हम तो पहचानने में देर कर गए, लेकिन तुम लोग काहे कर रहे हो? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो रुद्र भैया को बोल के खुलवाए तुम्हारा कुंडली। सही कह रहा है माधव, सिर्फ रूपा का ही तो बदला है, बाकी मैं वही रुद्र हूँ। चिरौंजी कैसे चल रहा है बदमाश? अरे हाँ ये तो चिरौंजी है। हाँ हाँ, जा रहा होगा अपने सिद्धेश्वर पाखंड की वसूली पर। एक काम करते हैं, आज का खेल इसी के साथ खेलते हैं। हाँ तो चलिए, चलो माधव चलो। जा रहा अपने गोदाम की तरफ। अरे बहुत बड़ा कारोबार किया है बदमाश। टाइगर कितना है? बस इतना ही ला इस बार, चल जा। तेरा कितना है? हट जाओ आइए गुरु जी, हट जाओ। अरे आइए आइए महाराज, प्रणाम महाराज। कहाँ रहे? जी महाराज कहाँ चल रहा है? आइए आइए महाराज, आठ दिन संभाल कर मठ में नाम नहीं पहुंचा, क्या कर रहे तुम लोग महाराज? नगर धंधा हुआ 50,000 का महाराज, कालम टाइट चल रही है। 1,00,000 बोला था ना? आगे से मुझे 1,00,000 का धंधा चाहिए, नहीं तो बोटी बोटी कर दूंगा। जी गुरु जी चल रहे हैं। बस माधव तुम इधर रुको, इन पे नजर रखो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तुम इन पे नजर रखो ना, मैं आता हूँ। आइला जगह लेके आना, बुला लो जल्दी करो। अरे शंकर तुम आ गए? अच्छा हाँ, और मैं भी आया हूँ। पर ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों? प्रेम शंकर आज सारे बदमाश अंदर एक साथ जमा हुए, सबकी छुट्टी कर दो, सबको निपटा दो। आई अब मुझे गुंडे बदमाशों से लड़वाओगे? क्या यही काम बचा है मेरा? नहीं भाई, ये सब मैं नहीं कर सकता, ये तुम लोगों का काम है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ अब तुमने मुझे बुलाया ही है तो मित्रता का वचन निभाऊंगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये क्या बात हुई, मैं इतने सारे बदमाशों से कैसे लड़ सकता हूँ? मैं इतना छोटा सा ही तो हूँ, वो फिर से मेरा फुटबॉल बना देंगे और मुझसे खेलने लग जाएंगे। देखा मैंने कहा था ना प्रभु, ये किसी काम का नहीं है। अरे भगवान मैं हूँ कि तुम हो जो क्या होगा क्या नहीं उसकी भविष्यवाणी कर रहे हो? मित्र जब जब तुम इस संसार में आओगे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, तो डर क्यों रहे हो? जैसे पिछले जन्म तुमने सिद्धू को पकड़वाया था वैसे ही फिर साहस करो, टकराओ इनसे, देखो फिर क्या होता है। ठीक है बोलते हो तो जाता हूँ। पिछले साल ही वाइट बेल्ट लेवल पर कराटे क्लासेस में एडमिशन लिया था, प्रैक्टिस तो की नहीं, वो ही ब्लैक बेल्ट लेवल की मैच लड़वा रहे हो। जाओ साहस तो करो। जाओ जाओ जा। देखिए प्रभु मैंने तो पहले ही आपसे कहा था इससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं जाके अपने हड्डियों का बुरा दाना करवा ले। अब तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा प्रभु। ओए शिरोन जी ये सब क्या लगा रखा है? अरे बाप रे लंदन जाकर बड़ी फुर्ती आ गई इनमें है। तू अब तक जिंदा है? हाँ और तेरे सामने भी हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है बेटा जो बच गया, अब यहाँ किस्मत खराब करने क्यों आया है? उठा के बाहर फेंको इसे, मारने का वक्त नहीं है मेरे पास आज। रुको मुझे हाथ लगाओगे तो बहुत पछताओगे। देख क्या रहा है, उठा के बाहर फेंक इसे। ओए बाहर लेके जाओ उसको। चलो चल दे।
तुम्हारे कंप्लीट दुखों से कंप्लीट मुक्ति देंगे। इस मठ में दुखों का हट नहीं ठहरता। सुना रहा है हाँ? उसको पकड़ के लेके आप इधर। इस बार उसका अंतिम संस्कार हम अपने हाथ से करेंगे और उसकी राख को गंगा में बहाएंगे ताकि वो अपनी राख से दोबारा जन्म न ले सके। और अगर तू उसको नहीं पकड़ पाया तो उसके बजाय तेरा अंतिम संस्कार कर देंगे। खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। आई कांट टेल। लव यू शंकर। बोले शंकर। क्या हुआ नागू? क्या आज तुमने फिर से मेरी भांग पी ली? मैंने कहा भांग पी प्रभु सच्ची? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर गंगा की लहरें आ रही हैं। वहां डर मच रहा है। ऐसा क्या हो रहा है प्रभु? ऐसा किस
इसलिए हो रहा है नागू क्योंकि आज भक्तों की चढ़ाई हुई सारी भांग का सेवन तुमने कर लिया। मैंने तो प्रसाद लिया था प्रभु। स्वीकार कर लिया ना कि तुमने आज पी है। देखो इसकी दशा कैसे झूम रहा है। फ्रेंड शंकर, आप तो भगवान हो ना, सबकी गलतियों की सजा देते हो, हर दुष्ट को दंड देते हो, फिर इस सिद्धू को दंड क्यों नहीं देते? उस पापी को खत्म क्यों नहीं कर देते? उसका अंत क्यों नहीं कर देते? सबके अंत का एक समय निश्चित होता है, अभी उसके अंत का समय नहीं आया, और उसे तो अंत से पहले यातनाएं भी देनी है, और अभी सिद्धू का परिचय भय से करवाना है। अरे प्रभु, वो छोकरा हमको पानी के अंदर दिखा, कोई नहीं मान रहा है तो तू भी नहीं मानेगा? अरे प्रभु कुछ नहीं था, आप चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए। तू कैसा आदमी है रे? कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं सुन रहा है, चाहे कुछ भी बोलो। सिद्धू। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ महाराज? अब क्या हुआ? अरे छोकरा इधर अंदर क्या कर रहा है? पानी से निकल के अंदर कैसे घुस गया रे? तू घुसा इसको? मैं क्यों घुसाऊंगा? तू घुसा इसको रे? नहीं गुरु जी। तू अंदर कैसे बैठा हुआ है? मैं देखता हूँ क्या है, देखता हूँ। कोई नहीं है महाराज। करेगा बदमाशी? अरे आपने उस लड़के को अपने दिमाग में बिठा लिया है, इसलिए बार बार उसको लेकर आपको भ्रम हो रहा है। अरे आप तो महाराज उससे खुदे मारना चाहते थे, फिर उससे काहे का डर? इस भ्रम से मुक्त होइए प्रभु, मुक्त होइए। चलिए बैठिए गाड़ी में, आइए। अरे काहे तू इतना बकबक करता है रे? गुरुजी। चल तू आगे ले गाड़ी। नमो नमः। इस वर्ल्ड में बार बार के आवाजमन से छुटकारा पाने और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का पहला दरवाजा गुरु ही दिखलाता है, इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। ध्यान करना होगा,
साधना करना होगा, योग करना होगा। हम साधना करने जा रहे हैं। कैसा लगा तुम्हें? मजा आया? बस कीजिए गुरुदेव, और कितना पीएंगे। अरे अरे, अपने डर को दबोचिए महाराज। अरे अगर आप इस तरह डरेंगे तो लोग आपको बड़म समझने लगेंगे, बड़म। अरे अपने धंधे पर ध्यान दीजिए गुरुदेव, नहीं तो आपका पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। अरे समझिए प्रभु, मैं कह रहा हूँ, आप समझिए। अरे गुरुजी, अब क्या हुआ गुरुदेव? अरे अपना भानु है। ओहो, क्या हो जाता है आपको? भानु ही तो है। ओहो सिद्धू, ए सिद्धू, सिद्धू, लगता है तेरी मृत्यु का भय तुझे सता रहा है। तेरी शक्ति, तेरा धन, तेरे गुंडे, तेरे भक्त, कुछ भी तुझे चैन की नींद सोने नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अब तेरे अंत का आरंभ हो चुका है। उस चरम में तू मेरा काल बना। इस जन्म में मैं तेरा काल बनूंगा। महागुरु से मिलने का वक्त आ गया है। जी गुरु जी। आप रो क्यों रहे हैं? आप गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं तो हम भी गृह से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सुनिए तो, मैंने कुंडली देख ली, उनकी कुंडली अच्छी है, देश की कुंडली पे करोना बैठा है। बॉस, हाँ ठीक हो जाएगा, हम बाद में करते हैं आपको। क्या बो? सिद्धेश्वर, हैप्पी बर्थडे, इधर देख, इधर देख, मैं आऊं, इसको बोलो मैं आऊं। बॉस बाय। देखो साक्षात बॉडी एंड सोल के साथ, बोलो ना क्या बात। अरे गुरुजी, प्रणाम 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 प्रणाम, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। कुछ फंसे हो क्या? रक्षा रक्षा गुरुजी, देखिए नहीं तो हम मर जाएंगे। गुरु का डर हमारे अंदर बैठ चुका है। और तुम्हारे अंदर मैं हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम रुद्र से डरे हुए हो। अरे लेकिन लेकिन सिर्फ हम उसको देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा है। रात हो या दिन हो, हमको दिख जाता है एकदम। हमको बहुत डर लग रहा है, क्या करूं गुरुजी? देखिए अब सब कुछ आपके हाथ में है। याद है रुद्रा के मौत के बाद आपने हमको कैसे बचाया था? हाँ याद है। पुलिस को कैसे मैनिपुलेट किया था? हाँ याद है। हम बच गए थे। फिर से एक बार आपको हमको इस घोष से रक्षा करनी है। देखिए उसका पुनर्जन्म हो गया है, वो हमको डरा डरा के मार देना चाहता है। गुरुजी तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, एकदम किलोमीटर में दूर चली जाएगी। बस तुम मेरा एक, इसको बोलो मेरा एक काम करे। गुरुजी का एक काम करो। आप बताइए ना गुरुजी, सब करेंगे। चार साल से सालाना फीस नहीं दिया है तुमने। यस मौसा जी, नहीं दिया इसने, सब दे दोगे तो चलो। फूफा जी के लिए 75 लाख और डाल दो। सिद्धेश्वर रिमेम्बर, गुरु समटाइम्स ब्रह्मा, गुरु समटाइम्स विष्णु, गुरु समटाइम्स महेश्वरा, एंड समटाइम्स ब्ला ब्ला ब्ला। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गुरु तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, है ना? कुल 2 करोड़ कर दिए महाराज। कर दिए, हो गया। 2 करोड़
करोड़। तो ऐसे कैसे बोल रहा है, टीडीएस भी बोल भर देगा। कर दिया। भर दिया तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, तो अब आप क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे बेटा, करोगे तो छोड़ो। अरे हाँ, हम करना तो हमको है, लेकिन हम क्या करेंगे? आप बताइएगा उपाय तब ना। राशिद का सच बता रहा हूँ, तुमने एक बार स्वाद चखा ना, 10-12 साल के लिए होम क्वारंटाइन हो जाओ। ये क्या बोल रहे गुरु जी? अपने आप स्वाद चखते रहो, फिर तो आदत पड़ जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हूँ महादेव, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, महादेव आएंगे। बंद कर दे। जी गुरु जी। अरे, अरे गुरु जी, गुरु जी। महाराज, आपके गुरु जी तो महागुरु निकले। महागुरु नहीं, महागुरु घंटाल निकले रे। अब क्या करेंगे महाराज? अब जो करेंगे हम करेंगे। आज के बाद हमारा कोई गुरु नहीं होगा चिरंजी, बल्कि हम सबके गुरु होंगे हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश। अब तक रुद्र हमारे पीछे था, अब हम रुद्र के पीछे रहेंगे। प्रभु प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूँ भोलेनाथ? प्रभु 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 प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु। शिवांश के प्राण संकट में है, उस दुराचारी सिद्धू के आदमी उसे उठाकर ले गए हैं। लगता है अब इस सिद्धू को रुद्र रूप दिखाना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे मुझे इसके सामने ले आए, बोल देते तो मैं खुद चला आता। सिद्धू तो अब तक तो सुधरा नहीं। मुझे क्या लगा था कि हम डर जाएंगे। लोग जिस सिद्धू के सामने नतमस्तक होते हैं तो उसको डराना चाहता है। हम मानते हैं ये पूरा शहर महादेव का है। अरे पगले मगरे, चलता तो हमारे ही सारे पर है ना। जिसने भी मिस्टेक से हम पे कुदृष्टि डाली है वो खत्म हो गया, तो हम तुमको कैसे छोड़ देंगे? तू हमारे सपने में आता है, रात दिन हर वक्त सोते जागते घूमते टहलते। क्यों? इस बार तुमको बहुत तकलीफ दे मौत देंगे हम। लगता है तूने अब तक सबक नहीं सीखा। तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, और तू क्या कह रहा है? ये पूरा शहर महादेव का है, लेकिन चलता तेरे इशारे पे। ओके, प्रूव कर, दिखा तेरी शक्ति, दिखा, दिखाना। जिस शंकर को तू सबसे ज्यादा मानता है, जिस शंकर ने तुझे पुनर्जन्म दिया है, आज उसी के अस्त्र त्रिशूल से हम तुम्हारा दी एंड करेंगे। Come on.
कुछ कीजिए गुरु जी। गुरु जी हमारा काल आ गया। गुरु जी आप किस चिंतन में पड़े हैं? लगता है आपका भी अंत समय आ गया है गुरु जी। जितना भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सामान है, हम सब दान में दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे। बस एक बार आप हमको माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर है ना। अब हम अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं जिएंगे, प्रायश्चित के लिए जिएंगे। कृपा करें, कृपा करें। एक बात हमेशा याद रखो सिद्धू, हमारे धर्म की धारणा ही हमारा कर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, जल का धर्म है बहना,
वैसे ही हर मनुष्य का धर्म है कि वो इस सृष्टि के सृजन में सहयोग करे, किंतु ये सृजन बिना प्रेम के, बिना त्याग के, बिना सहयोग के, बिना सत्कर्म के असंभव है। ये बात यदि तुम भूल गए, दूसरा अवसर नहीं दूंगा। कभी नहीं भूलेंगे भगवान। आज के बाद हमारा सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहेगा। लव यू शंकर, लव यू। जन्म में तो क्या, तीसरे चौथे जितने भी जन्म हो आपको नहीं भूल पाऊंगा। आपकी बहुत याद आएगी। सबको आपसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, सबको हमेशा बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय। जब भी मेरी याद आए बनारस चले आना, यहाँ के कण कण में मैं रहता हूँ और हमेशा रहूंगा, हिमालय में रहते हुए भी। क्या हुआ नागू, मैंने फिर से कोई गलती कर दी क्या? कोई गलती? गलतियां ही किया तुमने, इसलिए तो ये खुशी के आंसू है कि तुम जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ और तुम खुश हो रहे हो? तुम मुझे प्रभु से अलग करना चाहते थे ना, अब जा रहे हो तो कैसे अलग कर पाओगे, इसलिए खुश हूँ मैं। मेरी तुम्हारे तो फ्रेंडशिप भी नहीं हुई है अभी तक। फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडशिप वो तो हो गई है, उसी के ही प्रूफ है। प्रूफ है?